ओके गाइस, गुड मॉर्निंग एंड सत श्री अकाल। और आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े कर रहे होंगे और आपने हमारी वीडियोस देखी होंगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हम ट्रैवल वीडियोस बनाते हैं। तो जैसा कि मेरे काफ़ी सारे हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स का कहना था कि तुम इतनी सारी जगह घूमते हो, अलग अलग जगह जाते हो, तो बीइंग अ पंजाबी, पंजाब भी दिखाओ हमें कि व्हाट इज़ द पर्सपेक्टिव ऑफ पंजाब। सो इसलिए हम आए हैं पंजाब के एक विलेज में, और ये है जसमीत की साइड से, यानी कि मेरे इन लॉज की साइड से एक विलेज जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो यहाँ पर हम कुछ दिन के लिए आए थे। तो जैसा भी हमारा एक्सपीरियंस थ्रू आउट इस जर्नी में रहेगा आपके साथ शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कुछ ऑथेंटिक पंजाब दिखाने के लिए आपको। सो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स गो। तो आपको मिलवाते हैं यहाँ पर मेरे प्यारे से छोटे से ब्रदर इन लॉ से। ये है मेरे साले साहब, नवजोत सिंह नाम है इनका। नवजोत सिंह सिद्धू नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू नहीं इसका नाम है नवजोत। नवजोत भाई हाई कर दे एक बार। तो ये हमारे को घुमाएगा अपने साथ, हम जाएंगे इसके साथ अलग अलग प्लेसेस पर। तो ये हमारा गाइड रहेगा। तो जो भी हमारा एक्सपीरियंस शेयर होगा आपके साथ भी शेयर करेंगे। और पीछे भौंकने की आवाज़ आ रही है ना, इसी के ही दो डॉग्स हैं यहाँ पे जो सारा दिन यही करते रहते हैं। तो बीच में घर के आसपास हम बनाएंगे तो ये वाली साउंड आती रहेगी, तो प्लीज़ फॉरगेट इट फॉर दैट। ठीक है, तो चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे इन्होंने बताया था कि हम एकदम पंजाब में हैं, ऑथेंटिक खाना कैसे बनता है चूल्हे के ऊपर वो मैं दिखाती हूँ। मेरी प्यारी सी मामी है, वो बना रही है। मामी जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। ये देखो जी, पुराना एकदम चूल्हे की बन रही है पराठे आलू के, घी लगा के एकदम मस्त। और ये बहुत बहुत अच्छे बनाते हैं। पापा के भी फेवरेट है इनके पराठे बने हुए, और इनके भी जब ये लास्ट टाइम आए थे इनको बहुत पसंद आए थे। और नींबू का पेड़ आपको भी दिखाती हूँ, तब बड़ा है। यहाँ पे एकदम बहुत अच्छी वाइब आएंगी, एकदम जैसे हम मिट्टी से जुड़ गए हैं ना, वैसे वाली वाइब आएगी। अब आगे आगे हम और क्या क्या देख सकते हैं और आपको क्या क्या दिखा सकते हैं वो हम टाइम टू टाइम आपको शेयर करते रहेंगे। तो ये पहले जैसे लगते थे ना स्टोर करके कनक, वैसा ड्रम है इतना बड़ा, मेरी हाइट से भी बड़ा ही है ड्रम। इसको पंजाबी में क्या कहते हैं? टोल। ठीक है, नीचे से ये खोलेंगे तो कनक निकलेगी, जैसे आप देख सकते हो नीचे पड़ेगी ऑलरेडी। यहाँ पे दो ड्रम रखे हुए हैं और यहाँ पे कनक स्टोर कर रखी है। कनक है और मक्की के दाने भी हैं। तो अभी हम सारा घर फ्लोर देंगे कि क्या क्या है इसके अंदर, क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट सी हो रही है। तो एक पोर्शन ये है घर का, यहाँ पे अलग अलग रूम्स बने हैं। अभी हम वहाँ पे थे जहाँ ग्रेन्स रखे हुए हैं, और ऐसे ही ये लॉबी है। यहाँ पे यार बालकनी वगैरह बहुत ज़्यादा मिलेंगी आपको ना, इतनी बड़ी बड़ी, घर से बड़ी। तो ये खड़ा यहाँ ट्रैक्टर, और यहाँ से दूसरा पोर्शन है मेन हाउस का। ये बीच में से भी आला निकाला है एंट्री के लिए, यहाँ पर जहाँ हमने आपको चूल्हा दिखाया था, है ना। तो ये इन्होंने इनकी एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी आ गई है। बेसिकली एक चीज़ आप नोटिस करना, हर घर के आगे ना ऐसे जाली रखी होती है फॉर वेंटिलेशन, ताकि ज़्यादा गर्मी भी ना लगे और ठंड भी ना लगे, और कमरे अंदर होते हैं और बाहर तो आप ओपन एरिया देख ही सकते हो। सो अभी जैसे वेड़े में हर टाइम नहीं बैठा जा सकता ना ओपन एरिया में, सो अंदर बैठने के लिए यहाँ वेंटिलेशन के लिए, ताकि ठंडा ठंडा एसी वाला फील आता है, पूरा गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी यहाँ पे। तो अभी हम इसी जहाँ पर हम आपको दे रहे थे वहाँ के छत पर आ गए, बाहर से व्यू देख रहे हैं, टैंकियाँ देख रहे हैं, कौन से लोग कहाँ पर गए हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की उन्होंने टैंकी बना रखी है। यहीं से मेरे को दिख रहा है मेरी परनानी का घर भी यहीं था, वो प्रॉपर्टी सोल्ड आउट कर दी क्योंकि पंजाब आना हमारा कम होता है। बाकी ये वाली नानी तो है ही हमारे पास, फॉर ऑलवेज लव। सो अभी हम जाते हैं, उन्होंने हमारे लिए गर्मा गर्म खाना बना दिया, अब खाना खा लेते हैं। घी जी पराठा साथ में मक्खन, और ये लस्सी मक्खन वाली मस्त है। मामी जी आ गए हैं यहाँ पे दूध निकालने गाय का। मैंने बोला एक बार मैं भी ट्राई कर लूँ, लात तो नहीं मारेगी, तो कितने ईजी तरीके से निकाल रहे हैं ना, उनको दिक्कत ही नहीं आई। वाह, एकदम देसी स्टाइल ना, देसी झाग भी आ रही है ऊपर, देखो झाग भी आई। वाह यार, झाग तो आई, देख लो चौके रखी, चलो ट्राई करो। हाँ आ गया। नहीं दूध नहीं दूर रही है इनको बहुत शौक है, ये बोल रहे थे जब मैं जाऊंगी तो मेरे मटक तो मटक नहीं करना। अभी हम देखते हैं कहाँ पे फेंक के आएंगे। हाय हाय देखो, सिर्फ भैंसे और गाय पालना इजी नहीं है, ये सब भी करना पड़ता है, उनका सामान लेके यहाँ पे फेंकना भी पड़ता है। और ये हमारी छोटी मामी जी हैं। मामी जी रुको, अच्छे बैठ जाओ ना, रुक जाओ, तुम वेट तो करो। ए बहुत कम कर दिए कुड़ी साड़ी। जितना भी एफर्ट आप देख रहे हो ना, दिखा रहे हैं ये गाय वगैरह दूध निकालना, हमें तो बड़ा आसान होता है ना, फटाफट से ऑर्डर कर दिया, अलग अलग ऑनलाइन कंपनी से जाके ले आए दूध को। तो ये रूट्स होते हैं फार्मिंग के, इस तरीके से ध्यान रखना पड़ता है कैटल्स का, दूध वगैरह निकालना, फिर ये डंग सारा डिस्पोज करना इसको। तो टफ़ काम है, इतना आसान नहीं है। वी शुड बी ग्रेटफुल कि हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। ऑर्गेनिकली वी आर नॉट दैट मच एक्टिव कि हमारे पास सीधा चीज़ें उतनी पहुँचे, बट ठीक है, जितने दिन यहाँ पर हैं मज़े करते हैं। खाने पीने की और हवा की तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है, इंटरनेट भी यहाँ अच्छा है, और क्या चाहिए लाइफ में। बाकी और काफ़ी कुछ है दिखाने को, जो भी देख रहे हैं हम। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी, अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, बहुत अच्छा लगता है। और कहीं से भी हो आप, इट्स नॉट अबाउट कि हम पंजाब से या किसी भी जगह से आप बिलोंग करते हो, अपने होम टाउन जाके तो वैसे भी अच्छा लगता है। पहुँच गए हम, सुबह से इसने शोर मचाया हुआ था, टोबे चलिए टोबे चलिए। सो तालाब ही है, तालाब को कहते हैं टोबा। सो ये बहुत पुराना है, मतलब मेरे बचपन के टाइम से तो क्लियर होता था, अब ये ग्रीन हो गया है बेसिकली, अब दलदल सा बन गया है। तो मैं इनको भी यही कह रही थी कि अगर मैं गिर भी गई ना, तुम लोग मुझे बचाना नहीं आओगे। सही बात है, क्योंकि इतना वो दलदल हो गया है। इसमें चारा हम डालेंगे पशुओं के लिए, और जो जैसे जैसे होगा वो आपको वीडियो में दिखाएंगे। अभी शाम को करेंगे ना मामा जी, शाम को। पिंड दियाँ गलियों विचों असी लंघ रहे हैं, यहाँ पे आके पंजाबी हमारी निकल रही है थोड़ी थोड़ी। तो अभी हम घर जा रहे हैं, अपना सामान रखते हैं और फिर आपको पिंड दर्शन करवाते हैं। चलो, यहाँ पे ना टैंकी का बड़ा डिफरेंट कल्चर है, जैसे आप ये पीछे देख रहे होगे, ये टैंकी बना रखी है डिफरेंट सी, फार्मिंग वाली, गाय वगैरह वाली, बहुत सारी है, फुटबॉल्स भी है। चलते चलते दिखाता हूँ आपको, जैसे अंदर आपको घर वगैरह दिखाए थे प्रॉपर पिंड के अंदर, है ना। अब जैसे ही यहाँ पर शाम को इवनिंग में वॉक करने निकलते हैं, तो यहाँ पीछे देखो, मेरे पीछे खेत है, तो एकदम से हरियाली में आ जाते हो आप वॉक करते करते। जस्ट 5 मिनट्स का वॉक है और पीछे इतने सारे खेत हैं, और ये हमारा छोटा उस्ताद ये हमारे को घुमा रहा है अपने पिंड में। तो काफ़ी कुछ उगा हुआ है यहाँ पे, जैसे सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे वीट की फार्मिंग हो रखी है, और गोभी भी है, हाँ गोभी है, मूली है, और क्या लगा है, साग लगा हुआ है, सरसों, और क्या लगा हुआ है, मूलियाँ, गाजर भी है, नहीं गाजरा नहीं, गाजरा भी तो होंगी है, पर अपने ज्यादा तो कणक हुण बीजी हो ज्यादा लोगों ने। अच्छा अच्छा, सब ट्रस्ट में, ये बहुत ज्यादा बोलता है, अभी कैमरे के सामने चुप हो रहा है। बड़ी शांति है यहाँ पर, जैसे मोस्टली हम हिमाचल वगैरह भी जाते हैं तो वहाँ पे भी बहुत शांति होती है। ये तो एकदम खेतों के बीच में ना, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इट इज़ रियली अमेजिंग। और आप देख ही सकते हो, इवनिंग का टाइम हो गया है, गुरुद्वारे काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, तो इवनिंग में गुरुद्वारे में पाठ होते हैं, तो उनकी बड़ी अच्छी साउंड आ रही है, बट अच्छा लग रहा है, इट्स रियली नाइस। पिंड में से निकलते निकलते अब हम आ गए मामा जी के खेत देखने। मेरे पीछे देख रहे हो, जैसे मूवी में नहीं बोलते बेटा वो दूर तक देखो, सारे खेत अपने ही हैं। यहाँ से लेके वो पूरा खेत उनकी तरफ है, वहाँ पे वो भैया बोलते हैं वो लगाए हुए हैं, यही संभालते हैं बेसिकली। और ये हमारा ट्यूबवेल है, यहाँ पे मैंने पानी पिया, मज़ा आ गया। और इधर कुआ है और ये पानी है, मन तो कर रहा है ट्यूबवेल में कूदने का। शाम हो गई है, अंधेरा आप देख सकते मेरे पीछे होने वाला है, बट अभी हम चलते हैं अपने घर की तरफ वापसी, क्योंकि हम खेतों से चलते चलते बहुत दूर आ गए हैं, अब वापस भी जाना है। एंट्री करने लगे खेतों के अंदर। आज हम वो क्या है, आज हम पट्टेंगे मूली। चलो ओके गाइज, गुड मॉर्निंग। तो आज एक और दिन है हमारा पिंड के अंदर, विलेज में, और आज हम आए हैं सुबह सुबह खेतों में, यहाँ पे मामा जी के, और यहाँ से मूली वगैरह और कुछ और वेजिटेबल्स निकालने के लिए। तो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो आपके साथ भी शेयर करते हैं, देखना जैसा रहेगा वैसा आपको दिखाएंगे। तो मैं खेतों के बीच में ही हूँ, तो लेट्स सी। ये खेत के अंदर मूली लगी हुई है, मिल गई है, वो हम इसको पटने लगे हैं। देखते हुए निकाल पाती हूँ नहीं। मैं तो बहुत अंदर है। मूली पकड़ना। 2000 years later। निकल गई आधी। क्या यार नकली है तू, तोड़ दी बता। ये देखो ये शलगम लगा हुआ है यहाँ पे, बीज होते हैं वो बीज। ये ना जो कैटल्स को, पशुओं वगैरह को डालते हैं, उसकी भी यहाँ पे कर रखी है खेती। इसकी कटाई करके फिर पशुओं को खिलाते हैं। ट्राई डू। जोर लगता है। ये निकल गई पूरी जड़ समेत। अब आपकी बारी है, देखो आपसे निकलती है नहीं। जोर लगता है भाई। प्यार से निकालेंगे भाई, इसका तो कट गया था। पर दूसरी बारी निकाल ली मैंने, मेरे को निकाल लिया। ये निकल गई देखो, ये लंबी है एकदम फ्रेश। इसी को जाएंगे और अब खाएंगे भी। मामी जब मैं सुबह सुबह लेके आई हैं, बाहर मौसम भी देख सकते हो, थोड़ा सा फॉगी हो रखा है। हमने निकाल लिया मूली। इन्होंने मुझे सिखाई टेक्निक, ऐसे पकड़ के ऐसे खींचनी है ना। हाँ जी। तो गाइस जैसा कि आपने देखा, हम पीछे फार्म में खड़े ही हैं। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ लगा रखी हैं। हमने मूली निकालने से, जिसे पटना कहते हैं, निकालने से शुरुआत करी थी। और उसके बाद हमने यहाँ पे पालक है, जसमीत ने धनिया भी निकाला यहाँ से, मामी जी ने। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे हाथ में प्याज है, ये बिल्कुल एकदम रॉ प्याज है। बहुत सारी चीज़ें लगा रखी हैं। पालक दिखा मुझे, साग दिखा, लहसुन दिखा, जैसा कि बताया आपको वीडियो में भी। तो अभी तो आज दिन की शुरुआत है, अभी जाएंगे, जो भी मज़े करेंगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें करनी है, वो भी शेयर करेंगे आपके साथ। फ़िलहाल के लिए जाते हैं वापस घर की तरफ। ये मामा जी हमारे बड़े वाले ये जा रहे हैं साइकिल पे। अभी हम इनकी साइकिल भी चला लेंगे, इसमें भी कुछ करेंगे, चलाएंगे। मामा जी करता धरता सारे इनके करता धरता ये है, ये वाले जो पीछे वाले फार्म से हैं वो भी सब इन्होंने कर रखा है। उन्होंने छोड़ दी मेरे हाथ में, ले जाओ तुम सब ले जाओ। चलो चलो। हम भी हैं। अभी हमने कुक्कड़ देखे थे, अब हम देख रहे हैं अनार। कल आपको हमने संतरे, नींबू दिखाए थे, आज तो बहुत कुछ दिखा दिया। आज हम आपको सारी ऑर्गेनिक फार्मिंग दिखा रहे हैं, है ना। ये ऑलमोस्ट हो भी गए हैं, नीचे गिरा भी हुआ है वो देखो। वाह अनार। ओह माय गॉड, कच्चा अमरूद। अमरूद का पेड़ भी मिल गया हमको, छोटे छोटे भी हैं। ये देखो कितना छोटा सा है। सुबह हमने आपको बड़े वाले मामा जी से मिलाया था, ये हमारे छोटे वाले मामा जी हैं। अभी अभी आए हैं हम लोग। अब नाश्ता कर रहे हैं, स्पेशल बना है आज हमारे लिए मक्की वाली मूली की रोटी विद सरसों का साग। ओके सो फाइनली आज फाइनली मेरे मम्मी पापा भी आ गए हैं मेरे साथ मेरे व्लॉग में। खा रहे हैं रोटी, हम आए हैं पिंड इनकी वजह से। ये है मेरी मम्मी, ये मेरे पापा। तो जी बढ़िया सी लंच करने के बाद, एकदम ऑथेंटिक देसी खाना खाने के बाद, अब हम जा रहे हैं खेतों में। और इस बार हम जा रहे हैं ट्रैक्टर पे, तो आपको भी दिखाएंगे और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। ये देखो जी खेत पीछे, ये सारी यहाँ पे लगी हुई है कनक, यानी कि वीट। और पीछे था ट्यूबवेल, अभी बंद कर दी है मोटर उसकी। तो ट्रैक्टर पे घूमते हुए हमने कहा चलो बीच बीच में रुकते जाते हैं। तो ये खेत मामा जी के ही हैं। और एक चीज़ और, ये मेरे ख्याल कुछ पानी से रिलेटेड मशीन लगी हुई है, मुझे पता नहीं क्या है ये, लेकिन है बहुत पुरानी। ये सारे खेत पूरे, वो खड़े बच्चे उधर दोनों, उधर सरसों लगी हुई है। सही है, इधर की भी लाइफ दुनिया से एकदम परे, एकदम शांत, मज़ेदार। खेतों में जैसे हम ट्रैक्टर पे बताया था कि हम पहुंच गए हैं, वहाँ से चलते हुए आए थे ट्यूबवेल के इधर से, और यहाँ पर आ गए हम सरसों के खेत में। इतना सुंदर लग रहा है, दूर दूर तक बस वो फूल ही फूल नज़र आ रहे हैं। मन तो कर रहा है अंदर जाने का, पर मक्खियाँ भी हैं। पर मैं देखती हूँ, ट्राई करती हूँ, अगर अंदर जा पाई तो मैं भी एक घुस के फूल बन जाती हूँ। सरसों के खेत के बाद खड़ी हूँ मैं गन्ने के खेतों में। मेरे को तो केरला याद आ गया जब वो बनाना ट्रीज के बीच में खड़े थे ना, अब एकदम गन्ने के पेड़ों के बीच में खड़े हैं। मतलब होती तो सारी जगह सेम ही है, फार्म्स वगैरह, बट पंजाब की फील्स अलग है, मिट्टी की खुशबू यहाँ पे अलग आती है। सनसेट का टाइम हो गया, पीछे देखो होने वाला है। और हम एक ट्यूबवेल के पास बैठे, ये थोड़ा डिफरेंट तरीके का है। ये जैसे भर के वहाँ पर नॉर्मल पानी जाता है ना, एक डैम की तरह इधर पानी स्टेप्स बने हुए हैं। ओके गाइस, तो ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो पंजाब से, और आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बड़ी मेहनत लगती है, जो लाइफ हमने एक्सपीरियंस करी है कि एक फार्मर की लाइफ क्या होती है, कैसे कैसे छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, चाहे वो कैटल का ध्यान रखना हो, चाहे वो फार्म्स में ध्यान रखना हो, फार्मिंग का। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बड़ा प्राउड फील होता है कि हम इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। एंड थैंक्स टू मम्मी एंड पापा की उन्होंने ये हमारे को अपॉर्चुनिटी दी यहाँ विज़िट करने के लिए। मैं पहले भी खैर यहाँ पर आया हूँ, बट दो हम उस टाइम कुछ यूट्यूब वगैरह नहीं करते थे। बट आई होप हमारी ऐसे मल्टीपल आगे विजिट्स लगती रहेंगी और ऐसे ही आपका साथ भी बना रहेगा। सो टिल देन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आगे भी जुड़े रहें। सो सी यू सून विद अनदर वन।